Waddup Jumpers and welcome back to the How to Make a Game Series Part 2. Yes, because I thought कि बस ये एक वीडियो से तुम्हारा काम नहीं चलने वाला, क्योंकि तुम में से बहुत लोगों को बिना कोडिंग एंड 3D स्किल्स के गेम बनाना था. देखो, तुम शेमड़े लोग हो भगवान के भरोसे, और तुम खुद इतने ज्यादा आलसी हो कि भगवान खुद तुम पे भरोसा नहीं करते. तुम एक काम करो, आत्महत्या करो. बट जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें चिंता करने की नीड नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम AI का नाजायज इस्तेमाल करके कैसे टॉप नॉच गेम्स बना सकते हो विथ नो कोडिंग, नो 3D स्किल्स एंड नो न्यूटन. ये बोचिया मुझे आज भी पसंद नहीं है. बट यहाँ पे तुम्हें टेक्निकली थोड़ी सी कोडिंग करनी पड़ सकती है, बट इसका भी मेरे पास AI के थ्रू फुल सॉल्यूशन है. सो वॉच द फुल वीडियो, एंड ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाला है. तो अगर तुम्हें गेम बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो शेमड़ा अभी इस वीडियो को छोड़ के भाग जा. अगर तुमने कमेंट सेक्शन में कोई राडा किया तो साले यही से ईंट फेंक के मारूंगा. तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ. I am Kid. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. And this video is sponsored by Meshy AI. So, AI से गेम बनाना बहुत easy है, बहुत easy. बस तुम्हें AI को बताना है कि तुम्हें क्या चाहिए, and AI तुम्हें वो चीज दे देगा, वो भी super fast speed में. अबे ये बच्चा चल, GTA 6 आने से पहले GTA 7 बना के दे. तू या माइची गा. कुछ AI बदतमीज भी होते हैं गाइस, तो ध्यान रखना. सो एक कंप्लीट गेम बनाने के लिए हमें मल्टीपल अलग अलग चीजों पे वर्क करना पड़ता है, जिससे फिर हमारा डिजायर्ड आउटपुट बाहर निकलता है. एंड अभी के टाइम में इन टास्क को हैंडल करने के लिए मार्केट में बहुत ही स्पेशलाइज्ड AI भी आ चुके हैं. सो हम लोगों को कोई मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी. इट्स टाइम फॉर स्लेव. सो ये रहा हमारे गेम बनाने के लिए वर्क फ्लो. सो सबसे पहले हमें गेम बनाने के लिए चाहिए होगा एक गेम आइडिया एंड उसका गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट, जिसके लिए हम ऑब्वियसली यूज करेंगे ChatGPT. अगर तुम्हें ChatGPT क्या है नहीं पता तो लाना थे तुम पे. देन हमें गेम बनाने के लिए चाहिए होगा एक गेम इंजिन. सो हम यूज करेंगे यूनिटी 3D, बट तुम कोई भी इंजिन चूज कर सकते हो. इट डजंट मैटर, बस वो इंजिन वेल रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, नहीं तो AI तुम्हारे साथ खेला कर देगा. शेमड़ा बदतमीज. देन हमें चाहिए आर्ट, एंड सिंस हम 3D गेम बनाने वाले हैं तो 3D मॉडल्स AI से जनरेट करने के लिए हम यूज करेंगे Meshy.ai. यस, AI अभी बहुत एडवांस हो चुके हैं, एंड ये AI तो कुछ मिनटों के अंदर ही मॉडल जनरेट करके दे देता है. सो अगर तुम्हें Meshy के बारे में कुछ नहीं पता तो मैं हूं ना. देखो, Meshy अभी के टाइम का वन ऑफ द बेस्ट 3D मॉडलर एंड टेक्सचर जनरेटर है, बिकॉज इस AI को बहुत लोग यूज करते हैं, एंड इनके कम्युनिटी में ही 2 मिलियन से ज्यादा लोग है, इंक्लूडिंग मी. एंड इस AI ने 20 मिलियन से भी ज्यादा मॉडल्स जनरेट करके दिए है. माला, इतने सारे मॉडल्स, तुम्हें पता भी है 20 मिलियन में कितने जीरो आते हैं? एक, दो, तीन, चार. पाइथागोरस के पाइथन में गोरस. ओह, यू लाइक माय पाइथन सो मच, व्हाट डोंट यू सक. बाय द वे गाइस, अगर तुम्हें नहीं पता तो Meshy गेम डेवलपर्स के टॉप AI टूल्स में आता है, जिन्हें लोग वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं. इसका मतलब समझ रहे हो, अगर तुम्हारा कोई दोस्त 3D मॉडलर है तो उसको ये कटोरा. तो हमारे 3D मॉडल्स की प्रॉब्लम तो सॉर्ट हो गई है, एंड म्यूजिक एंड SFX के लिए हम कुछ वेबसाइट्स यूज करेंगे जो मैं तुम्हें आगे दिखा दूंगा, एंड प्रोग्रामिंग के लिए ChatGPT. एंड मैं इस वीडियो में तुम्हें कुछ रिसोर्सेज भी बताऊंगा जिन्हें मैं अपने खुद के गेम्स में यूज करता हूँ. सो तुम्हें कोई भी चीज खुद से नहीं बनानी पड़ेगी. सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द गेम. सो सबसे पहले हमें चाहिए एक गेम आइडिया जो एज अ बिगिनर बनाने में इजी हो. सो हम बनाएंगे एक हॉरर गेम, फ्री फायर बेंटेन. हेलो Password? Senbun Zakura Kageyoshi. Product? Ek. Description? 2K, 2I, 1H, no brain. Ek machis ki tili do kanche. Andhera kayam rahe, on the way. Arre kis se baat kar rahe ho? So hum banayenge horror game. क्योंकि हॉरर गेम्स बनाने में बहुत इजी होते हैं, सो तुम लोग गेम डिजाइन ChatGPT से जनरेट कर सकते हो. बट हमारा गेम बहुत सिंपल होने वाला है, जस्ट लाइक ग्रैनी. सो हमें पता है कि हमें क्या करना है, तो हमें अभी गेम डिजाइन की नीड नहीं है. सो सबसे पहले हम बनाएंगे हॉरर कैरेक्टर, एंड Meshy के अंदर कैरेक्टर जनरेट करना बहुत इजी है. तुम्हें बस टेक्स्ट टू 3D वाले सेक्शन में जाना है. सो यहाँ पे हम दो तरीके से मॉडल जनरेट कर सकते हैं. टेक्स्ट टू 3D, यहाँ पे बस तुम्हें लिखना है कि तुम्हें कैसा मॉडल चाहिए, लाइक अ सेक्सी टुनटुन मोसी. दूसरा है इमेज टू 3D, एंड ये वाला टूल लिटरली तुम्हारे बहुत काम आ सकता है, बिकॉज तुम इसमें किसी भी इमेज को 3D में कन्वर्ट कर सकते हो. नेक काम में देरी कैसी. ओह सॉरी, मैं भूल गया था, ये लर्निंग वाला वीडियो है. क्या कर रहे हो अभी तुम लोग, मेरे को याद दिलाया करो कि ये लर्निंग वाला वीडियो है, ठीक है. सो हाँ, हम इस इमेज टू 3D से कुछ भी जनरेट कर सकते हैं, लाइक अ कार, अ मॉन्स्टर, एन एलियन, सोफा, स्पाइडरमैन, टकलिया राजू, हॉट चुटकी. व्हाट द फक.
बाय द वे तुम लोग इसमें अपना स्केच डाल के भी 3D मॉडल जनरेट कर सकते हो, इजी पीजी। बट हम हमारा हॉरर कैरेक्टर टेक्स्ट टू 3D में बनाएंगे, सो इसके लिए तुम्हें प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए एंड इट्स ऑल्सो वेरी इजी। जस्ट तुम्हें अपना कैरेक्टर कैसा चाहिए वो यहाँ पे डिटेल में लिख दो एंड ये लिखने के बाद तुम अदर सेटिंग्स अपने हिसाब से सेट कर सकते हो एंड देन जस्ट जनरेट। एंड जनरेट करने के बाद तुम्हारे पास कुछ बेस्ट जनरेटेड मॉडल्स आएंगे, सो तुम लोग यहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडल चूज करके उसको रीजनरेट कर सकते हो एंड यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल सेटिंग्स भी मिल जाएंगी हाई टू लो पॉली, सो तुम लोग हाई क्वालिटी के भी मॉडल जनरेट कर सकते हो एंड ऑल्सो हम इस बार टेक्सचर भी जनरेट करेंगे, सो नाउ आवर हाई क्वालिटी मॉडल इज रेडी। बट यहाँ पे कभी कभी जनरेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, सो मेशी तुम्हें ये चीज फिक्स करने का भी ऑप्शन देता है रीमैश। अगर तुमको मॉडल में कोई प्रॉब्लम लगे तो तुम उसको रिमैश करके सीधा फिक्स कर सकते हो एंड मेशी टेक्सचर भी जनरेट करता है, तो अगर तुम्हें अपने मॉडल का टेक्सचर पसंद नहीं आया तो तुम इसको टेक्सचर वाली विंडो में कभी भी चेंज कर सकते हो एज वेल एज तुम टेक्सचर को पेंट करके उसको फिक्स भी कर सकते हो। बट मेशी का प्लस पॉइंट कुछ और है, तुम लोग यहाँ पे डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप के टेक्सचर जनरेट कर सकते हो वो भी सिर्फ पेंट करके एंड डिस्क्राइब करके। भाई वो वाला मॉडल जनरेट करूँ ना? कौन सा वाला? अरे वो वाला। वो वाला? अबे शेमड़ा कौन सा वाला? अरे अरे वो वाला। वो वाला? ओ अच्छा, हाँ वो वाला, हाँ वो वाला। हराम खोर साले दिखने रहा है यहाँ पे, फूल्स की क्लास चालू है, कब से देख रहा हूँ वो वाला करते जा रहा है। एक रैफ्टा मारा ना सड़क पे हकता फिरेगा। चलो वह भाई वेजिटेबल बॉल्स खेलते हैं। माफ कर दे भाई, पहले हिट मैं मारूंगा। भाई माफ कर दे भाई, ओरा फील हो रहा है। सॉरी गाइज, क्लास में थोड़ी सी रुकावट आ गई थी। सो हाँ, हम अपने हॉरर गेम के लिए हॉरर कैरेक्टर बना रहे थे, सो मैंने मेशी पे 3D कैरेक्टर्स के मल्टीपल वर्जन ट्राई करने के बाद ये वाला वर्जन फाइनल किया है बिकॉज शी इज लुकिंग वेरी हॉरर हॉरर। एंड हम लोग अभी इस मॉडल को सीधे यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट हमें इस मॉडल के लिए कुछ एनिमेशंस भी चाहिए होंगी एंड लकीली मेशी कैरेक्टर रिगिंग एंड एनिमेशन सपोर्ट करता है, सो हम लोग इनके कुछ एनिमेशंस पे गश्त मार सकते हैं। एंड अगर हमें कुछ सर्टन एनिमेशंस नहीं मिले तो हम मिक्स एमओ पाजी के पास चले जाएंगे। और आओ जी पाजी, थारे नाला लस्सी मंगाया सी, वो भी खट्टी वाली, सीधा माउथ टू माउथ डिलीवरी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग द एक्चुअल गेम, सो लेट्स क्रिएट द यूनिटी प्रोजेक्ट और सेक्सी हॉरर गेम। नाउ सिंस हम पूरा गेम AI के थ्रू बनाने वाले हैं तो हमें बस यूनिटी के अंदर चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, बट स्टिल हमें फाइल्स वगैरह खुद ही मैनेज करने होंगे। सो अगर तुम लोगों ने हॉरर गेम्स देखे हैं तो हॉरर गेम्स में फर्स्ट पर्सन कैमरा ज्यादा यूज होता है, सो हम भी फर्स्ट पर्सन प्लेयर बनाएंगे यूजिंग ChatGPT। ChatGPT हमारे लिए यहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग एंड कोडिंग करने का काम करेगा एज वेल एज हमारे लिए मैथमेटिक्स भी करेगा, सो तुम लोगों को मेरे जैसे ब्रेन रोट होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट पर्सन प्लेयर के लिए हमें दो स्क्रिप्ट्स की नीड है, एक प्लेयर मूवमेंट प्लेयर को मूव करने के लिए, दूसरी कैमरा मूवमेंट इधर उधर देखने के लिए। सो लेट्स टेल GPT टू मेक इट एंड सम टिप्स टू न्यू GPT यूजर्स, जब तक तुम्हारा टॉपिक कोई दूसरा नहीं है तो बार बार GPT से न्यू चैट ओपन मत करना, अगर तुम लोग एक ही चैट में गेम बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा। सो लेट्स मेक द स्क्रिप्ट्स। ऑल्सो गाइज अपना प्रॉम्प्ट हमेशा क्लीन रखना लाइक दिस, पहले टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन, देन तुम्हारे फीचर्स एंड डिस्क्रिप्शन। लेट्स डू इट। उप्स, गलती से गलत चैट में आ गए हम गाइज। पहले कंफर्म करते हैं, हाँ ये वाला सही रहेगा। सो वी गॉट द स्क्रिप्ट्स एंड गाइज ChatGPT के स्क्रिप्ट्स कभी कभी एक्यूरेट नहीं होते, सो इन दिस केस तुम्हें ChatGPT को वो चीज वापस से समझानी पड़ सकती है। सो लेट्स कॉपी द स्क्रिप्ट्स, मेक अ न्यू स्क्रिप्ट इन यूनिटी, पेस्ट द स्क्रिप्ट्स, मेक द प्लेयर कैप्सूल एंड कैमरा, ड्रैग एंड ड्रॉप द स्क्रिप्ट्स, ड्रैग एंड ड्रॉप द रिक्वायर्ड फील्ड्स। एंड यू आर डन, एवरीथिंग इज वर्किंग नाइस। सो नाउ अभी हमें चाहिए गेम के लिए एनवायरनमेंट एंड एक हॉरर गेम के लिए हम बनाएंगे एक हॉरर हाउस।
नाउ अभी तुम लोग सीधा मेशी के अंदर जाके हॉरर एंड क्रीपी ऑब्जेक्ट्स जनरेट कर सकते हो, बट मैं स्पीड बिल्डिंग के लिए पेरेंट नानी का हाउस यूज करूंगा। जो चीज पहले से बनी हुई है उसको फिर सो हमारा पहला पेरेंट नानी का गेम इतना हॉरर नहीं था क्योंकि उस मैप के अंदर ज्यादा हॉरर एंड क्रीपी चीजें नहीं थी। बट अभी हमारे पास मेशी AI है, सो हम अभी कोई भी क्रीपी चीज बना सकते हैं। सो आई जनरेटेड सम क्रीपी मॉडल्स। अब देखो ये अपना असली रूप रात में दिखाती है, ठीक है? अ क्रीपी ब्लैक बनाना। यस, इट्स क्रीपी। कम ऑन यार गाइस, ब्लैक बनानास क्रीपी होते हैं, ठीक है? एंड ऑल्सो गाइस, तुम लोग यहाँ पे बाकी क्रिएटर्स के मॉडल्स पे भी गश्त मार सकते हो लाइसेंस चेक करके, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छे मॉडल्स बनाए हैं। आई एम स्टीलिंग दिस वन। सो गाइज, आई डोंट थिंक हमें ब्लेंडर की नीड है। सो आई एम सॉरी ब्लेंडर, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, बट हमारा रिश्ता यहीं पे खत्म होता है। कृपया यहाँ से पलायन कीजिए। अबे फुट। एंड मैशी में और भी ज्यादा यूजफुल फीचर्स है जो तुम खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। सो गाइज, मैंने सारे मैशी से जनरेटेड मॉडल्स इस मैप में प्लेस कर दिए है। एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस। Now let's make the AI chase the player and attack the player. And हम हमारे सेक्सी का AI GPTC बनाएंगे। So मैंने AI बनाने का prompt लिख दिया है and इसमें मैंने हमारे AI के लिए सारे requirements भी लिख दिए हैं। So हमारे पास AI की script आ गई है and इसको implement करने के लिए ChatGPT ने हमें कुछ steps भी दिए हैं, जिसको follow करने के बाद हमारा AI बन जाएगा। अभी ये कैसा step है? एंड अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की प्रॉब्लम होती है या फिर तुम्हें कोई सजेशन चाहिए तो तुम ChatGPT से पूछ सकते हो, ये तुम्हारी हेल्प कर देगा। लाइक यू कैन आस्क, सजेस्ट मी सम इम्प्रूवमेंट्स फॉर माय सेक्सी हॉरर गेम, एंड ChatGPT तुम्हें डिटेल में बोचे। सो गाइस, मैंने GPT के सारे स्टेप्स को फॉलो करके हमारे सेक्सी AI को इम्प्लीमेंट कर दिया है एंड इट्स वर्किंग वेरी नाइस। एक्चुअली मुझे ChatGPT को 2-3 बार समझाना पड़ा, उसके बाद जाके ये अच्छे से वर्क कर रहा है। बट कोई नहीं, तुम्हें अभी आइडिया लग गया होगा कि ChatGPT से स्क्रिप्ट कैसे जनरेट करे। सो मैंने GPT से कुछ और स्क्रिप्ट्स को जनरेट करके गेम लूप को कंप्लीट कर दिया है। लाइक प्लेयर हेल्थ स्क्रिप्ट, जिससे हमारा सेक्सी AI प्लेयर को मार सके, और गेम मैनेजर स्क्रिप्ट, जो प्लेयर को स्पॉन एंड रिस्पॉन्ड करेगी एंड AI को मैनेज करेगी, और प्लेयर इंटरेक्शन स्क्रिप्ट, जिससे प्लेयर वर्ल्ड के अंदर के ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, लाइक कीज उठाना एंड एस्केप करना, और सीन मैनेजर स्क्रिप्ट, जो हमें मेन्यू सीन एंड गेम सीन में लूप करेगी, एंड कुछ और भी GPT से जनरेटेड स्क्रिप्ट है जो गेम लूप के अंदर काम कर रही है। एंड दैट्स इट, हमारा फुल्ली AI जनरेटेड गेम इज रेडी। एंड मैंने गेम की म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स के लिए पिक्साबे एंड freesound.org से चीजें लिए है, एंड इट्स फ्री, तो तुम लोग यहाँ से भी चीजें यूज कर सकते हो। लाइसेंस हमेशा चेक करना। एंड तुम लोग AI के थ्रू कोई भी अच्छा सा गेम बना सकते हो। ये तो बस मैंने डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए एक सिंपल गेम बनाया था। लाइक तुम लोग मैशी के अंदर जाके 3D रियलिस्टिक कार्स जनरेट करके कार रेसिंग गेम बना सकते हो, चारिजर्ड बना के पोकेमोन जैसा गेम बना सकते हो। सीधे पोकेमोन्स मत कॉपी कर लेना, नहीं तो तुम्हारे साथ पोकेमोन वाले खेला कर देंगे। एंड मैंने मेशी को बहुत बार यूज किया है, इट्स अ वेरी अमेजिंग AI, एंड इस AI को मल्टीपल अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स भी मिल चुके हैं, दैट्स व्हाई ये 3D AIs में टॉप पे आता है। एंड ये AI बहुत फ्लेक्सिबल है, तुम लोग इसके अंदर अपने मॉडल्स डाल के उसको मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर यहाँ से मॉडल एक्सपोर्ट करके ब्लेंडर के अंदर भी मॉडिफाई कर सकते हो। सो अगर तुम कुछ यूनिक चीज बनाते हो तो तुम अपनी क्रिएटिविटी हमारे साथ डिस्कॉर्ड के कम्युनिटी में भी शेयर कर सकते हो। बट ध्यान रखना, अगर किसी ने वो वाला मॉडल जनरेट करके भेजा तो भाई मेरी बंदूक और तेरे छोटे वाले कंचे। सो मेशी को एक बार जरूर ट्राई करना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे दी है, एंड तुम्हें इस प्रोजेक्ट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एज वेल एज स्टेप्स टू मेक अ गेम फ्रॉम AI। सो अगर तुम्हें ट्राई करना है तो तुम खुद से डाउनलोड करके इनको चेक कर सकते हो। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच मेशी फॉर मेकिंग दिस वीडियो पॉसिबल।